अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ानों के लिए ठंडा ठंडा शरबत। ये इतना ठंडा है, मोहब्बत का शरबत है और ये तरबूज से हम बना रहे हैं। आप रमज़ान में से पियेंगे आपकी रूह तक सुकून हो जाएगी। आप बनाइए और ज़रूर सब लोगों को पिलाइए। हमने आधा लीटर दूध लिया है और इसमें हमने आइस डाल ली है और मीठे के लिए हमने सिरप बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा चीनी और पानी में बॉईल करके हमने रखा हुआ, तो थोड़ा सा हम इसमें ये सिरप डाल रहे हैं इसमें। और ये हम इसमें एक चमचा भर के ये डाल रहे हैं, रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं इसमें। इसको अच्छे से चलाते जाना है। देखिए हमारा शरबत बनके तैयार हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल। और अब इसको हम सर्व कर रहे हैं, तो हमने देखिए अपने ग्लासों में इस तरह से थोड़ा सा रूह अफ़ज़े से इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। और हमने एक तरफ ये एक स्पून चिया सीड थे, इनको हमने 10 मिनट पहले भिगो लिया था, तो ये हम एक में चिया सीड डाल रहे हैं। तो इसमें पहले हम सबसे पहले हम इसमें आइस डालेंगे। अब हम इसमें आइस डाल दिया, अब इसमें हम थोड़े थोड़े चिया सीड डाल रहे हैं दोनों ग्लासेस में। उसके बाद अब हमारा ये ठंडा ठंडा शरबत है, हम ये इसमें डाल रहे हैं। देखिए हमारा शरबत तैयार हो गया है और हम इसको अब गार्निश कर रहे हैं थोड़े रूह अफ़ज़ा से। और थोड़े हमने ये सारे चंग निकाल के रखे थे तरबूज के, और इनको हमने सारे इनके सीड्स निकाल लिए थे और इस तरह से हमने इनको निकाल लिया है। आप इसी तरीके से बनाइए, ये मोहब्बत का शरबत है और इसे मोहब्बत से पीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया तो आपका शरबत कैसा बना। जी, मोहब्बत का शरबत बनके तैयार हो गया बहुत इजी तरीके से। आपके घर में जो भी सामान अवेलेबल है उससे आप बना सकती हैं मोहब्बत का शरबत, और ख़ुद पीजिए, बच्चों को पिलाइए, घर वालों को पिलाइए, मिस्कीनों को पिलाइए, रिश्तेदारों को पिलाइए, और खुश रहिए क्योंकि आपको कुव्वत मिलेगी पूरे दिन रमज़ान में इससे, इतने शानदार शरबत से। कि चिया सीड वो भी बहुत फ़ायदेमंद का है। तो आपने तरबूज से बनाया है, ये बहुत ही सादा तरीके से बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।